हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.5 क्लास 10। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने इसको थोड़ी सी ऑल्टरेशन की है, क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, फर्स्ट करो कि सेट एम हैज़ 5 एलिमेंट्स, बुक में शायद इतना ही दिया हुआ है। फिर मैंने खुद से एक लिख दिया कि सेट एल हैज़ 4 एलिमेंट्स, सेट एम हैज़ 4 एलिमेंट्स और सेट एल हैज़ 4 एलिमेंट्स। सेट एम हैज़ 5 एलिमेंट्स एंड सेट एल हैज़ 4 एलिमेंट्स। नाउ इफ यू वॉन्ट टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम क्रॉस एल और एल क्रॉस एल और एम क्रॉस एम, ठीक है, वट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम क्रॉस एल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एम क्रॉस एल, एल क्रॉस एल एंड एम क्रॉस एम। देर आर टू फॉर्मूले, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट दिस। नंबर वन, वेन यू वाइंट फाइंड सोल्यूशन, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम क्रॉस एल विल बी इक्वल टू एम हैज एन वन, वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इज एन वन एंड दैट इज व्हाट, 5। क्या लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ एन वन, जरा सही तरह लिख देते एन वन, ठीक है, और प्यारा करके लिख देते एन वन। ठीक है जी, इसी तरह इसको कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल, उसको हम डिनोट कर देते हैं एन टू से, और वो कितने हैं, 4। अब मैंने, सॉरी, मैंने क्या किया, मैंने उसको ए को डिनोट कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के एन वन से, और ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स किससे डिनोट कर दिए, 4 से। तो इसका फॉर्मूला आता है एन वन मल्टीप्लाई बाय एन टू। तो कितना एन वन, एन वन कितने कितने एलिमेंट्स है एम के, 5, और एन टू कितने हैं, कितने एलिमेंट्स है एल के, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 20। ये कि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओगे, फर्ज करो कि एम है 1 2 3 4 5, क्या है 1 2 3 4 5, और एल है आपके पास ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स हो गए ए बी सी डी, और ये 5 हो गए। जब आप क्रॉस बनाओगे यानी कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओगे, तो वो कितने बनेंगे, 20। कितने बनेंगे, 20। ठीक है, और जिस तरह हमने पिछले में किया था, एम में 2 थे और एल में कितने थे, 3। तो जब आपने एल क्रॉस एम या एम क्रॉस एल किया था, ठीक है, तो 2 × 2 = 3, 6, या 3 × 2 = 6 बना था। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अब मैंने क्या किया, एल क्रॉस एम किया, एम क्रॉस एल किया, अब एल क्रॉस एल करते हैं। ठीक है, अब सेट यही है हमारे पास, दूसरा नहीं है, यही सेट है, तो इसी का वो दोनों दफा इसी का नंबर आएगा, 4 × 4, एन वन भी इसी का होगा और एन टू भी इसी का होगा, तो वो हो जाएगा 16। समझे बात की, 16 एलिमेंट्स। इसी तरह अगर वो कहता है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, ओके, सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन किस में, पहले मैंने दिए एम क्रॉस एल में, एम क्रॉस एल में, तो ये पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, ये क्या आते हैं, पॉसिबल सबसेट्स, और इसका फॉर्मूला क्या आता है, 2 की पावर n1 मल्टीप्लाई बाय n2, क्या आता है जी, 2 की पावर। ठीक है, अब 2 वैसे के वैसे लिखेंगे, अब बताओ मुझे एल एन वन आपके पास कितने हैं, n1 5, ठीक है, और n2 कितने हैं, 4, ये 2 की पावर 20 बन जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है,
अगर आप अपने कैलकुलेटर पे निकालोगे तो ह्यूज नंबर विल कम। ठीक है, इस तरह वो क्या कहता है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन, अब क्या दूसरा ने क्या लिखा है, एल क्रॉस एल। चलो जेल क्रॉस एल कर लेते हैं, इसमें क्या आएगा, टू की पावर एल, एल एक ही है हमारे पास फोर, और उसी को दोबारा लगा देंगे तो क्या रहेगा, टू की पावर 16। अब मैंने आखिरी में एम क्रॉस एम भी लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन एम क्रॉस एम। अब एन वन भी एम से लिया जाएगा और एन टू भी एम से लिया जाएगा, वो कितना था 5, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना रहेगा 2 की पावर 25। ठीक है, इतने एलिमेंट्स आएंगे। समझ रहे बात की, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, आप इसको आराम से सुकून से बार बार देखोगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। ठीक है, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।